there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाय फ्रेंड, आई एम सुरक्षा सेब और आप देख रहे हैं सुरक्षा सेब टिक्स। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक न्यू स्टाइल के साथ लोगो बनाना सिखाऊंगा। बहुत दिन से कोई लोगो की वीडियोज़ मैंने नहीं अपलोड की, इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी आपको जो है ना, अब आपने यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ से सर्कल शेप सेलेक्ट करनी और इसका कलर ब्लैक आपने कर देना है, ठीक है। फिर आपने कॉपी करनी है, कलर यहाँ से वाइट कर देना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे ले आना है, फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने कलर सिंपली ब्लैक कर लेना है और स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आना है और 5 पे स्ट्रोक लगा देनी है, ठीक है। और सर्कल को आपने कम कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे साइज इसका कम कर लेना है, तकरीबन 10 तक आपने ले आना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ से मिडिल में भी करना है, इसको भी आपने मिडिल में कर लेना है। मिडिल में करने के बाद यहाँ तक हो गया, इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने आ जाना है। फिर आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने इनमें आ जाना है, टिक कर देनी है। टिक करने के बाद आपने यहाँ पे और ओके कर देना है। अब आपने करना कि आपने आना है रेस कलर में, टॉलरेंस फॉलो कर देनी है, ठीक है। टॉलरेंस फॉलो करने के बाद आपने फ्रेंड इसको कलर चेंज कर देना है। कलर आपने यहाँ से कोई भी रख लेना है, जैसे कि मैंने ये सियान रख लिया है। अब आपने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने फ्रेंड यहाँ पर आना है, यहाँ पे आपने येलो कर लेना है। येलो करने के बाद आपने फिर कॉपी करनी है फ्रेंड। कॉपी करने के बाद फिर आपने कलर इसका कोई और रख लेना है इस बार, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ले आना है, इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे इसको लगा देना है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे ये ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको ऐसे समझ ना आए ना फ्रेंड वीडियो में कि ये आपने कैसे लगाया है, ठीक है, मैं आपको वीडियो इधर देख लीजिएगा मेथड सारा, ठीक है। तो थंब नेल जो है ना, वहाँ पे भी आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इसके बाद आपने इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने नेम टाइप करना है, कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसा कि मैं नेम लिखूँगा जरक शाहजेब। ज़रक्षा ज़ेब लिखने के बाद आपने इस पर फॉन्ट्स लगाना है। फॉन्ट्स जो मैं यूज़ करूँगा चूसेंस बोल्ड मैंने कर ली है। अब आपने इसको यहाँ पे रखना है और इसमें फ्रेंड आपने कलर डाल देना, जितने कलर आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डालूँगा ब्लू, यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूँगा, बाकी जो बचा है इसमें मैं ये वाला कर दूँगा। ऐसे आपने कलर डाल लेने, ठीक है। स्ट्रोक आपने ऑन कर देनी है और ज़ीरो पे कर देनी है। ज़ीरो पे करने के बाद आपने करना क्या है, अभी तक आपने नेम टाइप करना है। ज़रक्षा ज़ेब मैंने लिखा, आगे नीचे मैं एडिटिक्स लिख देता हूँ, ये मेरा चैनल की नेम है। यहाँ पे अब आपने यहाँ पे एक लाइन सी बनानी है, ठीक है, तकरीबन ये वो फॉन्ट्स लगा हुआ था तो इसलिए बीच में स्पेस आ रही थी फ्रेंड। तो आपने इस टाइप की लाइन बनाकर यहाँ पे कलर आपने ये वाला रख लेना है। ये रखने के बाद आपने कॉपी करनी है, यहाँ पे आना है आपने, तकरीबन इसको यहाँ पे ले आना है, इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे इसको ले आना है, तकरीबन यहाँ पे इसको आपने
एक लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे फिर कॉपी करनी है, फिर मैं मूव आपने कर देना है 20 पे करके जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आपने फिर आप कॉपी करनी है, आप डिटेक्स लिखना है बीच में, ठीक है। ठीक है, आपने कुछ इस टाइप का बनाकर इसके क्लियर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। अब आप बैकग्राउंड कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि मैं वाइट ले लूँगा यहाँ पे बैक, जहाँ पे वाइट की जगह मैं कलर कोई और भी रख सकता हूँ, जहाँ से मैं आपको, ठीक है ऐसे। तो फ्रेंड आज का हमारा बस यही था ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।